से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमवार को शुरू हुए 15 से 18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर सेंटर में अच्छी खासी संख्या में किशोर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आयु वर्ग के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की कल शुरुआत की गई थी और शुरुआत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने करीम सिटी से कॉलेज की थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर युवा वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज और जो है वो बंद कर दिए गए हैं यहाँ से, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन ने जो स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है वहाँ काफ़ी संख्या में युवा नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं, कुछ युवा हैं वैक्सीन लेने आए हो। कितना ज़रूरी है वैक्सीन अभी? ज़रूरी है अभी, मतलब कोरोना के कारण। पहले ये आप लोगों को तो वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब देना चालू किया था। कितना सुरक्षा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित है, क्योंकि मतलब कोरोना से हम लोग को फिर पढ़ाई में बहुत ये लॉस हो रहा है, तो स्कूल जा नहीं पाते। हाँ, इसीलिए वैक्सीन ज़रूरी है हम लोग के लिए। वैक्सीन ज़रूरी है, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, निश्चित है। जो युवा वर्ग है क्या कहेंगे, वैक्सीन लेने पहुँचे हैं? कितना एज है आपका? मेरा 15 एज है। 15 है, अब वैक्सीन लेने पहुँचे हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे वैक्सीन लेने के बाद? वैसे तो वैक्सीन लेने से पहले तो बहुत डर लगता था कि कोरोना वायरस हो जाएगा तो क्या करूँगा, पर अब वैक्सीन लेने के बाद अब मुझे डर नहीं लगेगा और मैं स्कूल अच्छे से जा पाऊँगा। और नहीं जा पा, हाँ पहले स्कूल बंद रहता था तो उसी लिए अब मेरे को और अच्छा महसूस होगा पहले से। बिल्कुल, देखिए ये जो स्थायी सेंटर है वो हमें बता दूं कि ये 15 प्लस और 18 तक का जो है वो है, साथ ही साथ जो उससे ऊपर वर्ग के लोग हैं उन्हें भी यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है। और ये जिला प्रशासन के द्वारा स्थायी सेंटर बनाया गया था। आप देखिए कल के बाद से जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपील की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना है। और यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे पहले कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जो भी वैक्सीन लेने के लिए जो स्टूडेंट है या अन्य लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तो पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट करने के बाद ही अंदर वैक्सीन दिया जाएगा। और आप मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, देखिए ये टूनेट से चेक टेस्ट किया जा रहा है। और ये स्टूडेंट की रॉ है, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट अब पहुँच रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। निश्चित है कि न्यूज़ 11 भारत भी वैसे लोगों से अपील करता है कि जो अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, और वैसे छात्रों से भी जो 15 प्लस है आए और अपने आप को वैक्सीनेट करके इस कोरोना महामारी को हराने में अपना योगदान दे। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जम्मू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।